हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बी फूडी विद मंजू पर। तो बी फूडी विद मंजू की तरफ से आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। तो आज हमने बनाया है देसी तरीके से रवा चीज़ मसाला डोसा। यकीन मानो खाने में बहुत ही टेस्टी बना था, तो हमने सोचा क्यों ना अपने फ्रेंड्स के साथ भी अपनी रेसिपी शेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे डोसे के लिए अपना बैटर। तो उसके लिए हमने ये 500 ग्राम सूजी ली है। तो सूजी हमने मोटी वाली ली है, आप चाहें तो बारीक वाली सूजी भी ले सकते हो। और इसी के साथ हमने ये 2 चम्मच बेसन और 2 चम्मच गेहूं का आटा लिया है। तो हम तीनों चीज़ों को एक मिक्सी जार में डाल लेंगे और अपना एक बारीक सा पाउडर तैयार कर लेंगे। जो रवा डोसा बनता है वो इसी तरह से सूजी, बेसन और गेहूं के आटे को पीस कर बनाया जाता है। तो ये देखिए, हमारा बारीक सा पाउडर बनकर तैयार है। तो मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, हमारा पाउडर कितना बारीक है। तो हमें इसी तरह का पाउडर चाहिए था अपने डोसे के लिए। तो हम अपने इस पाउडर को एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब हम इसमें डालेंगे दही। तो हमने 250 ग्राम दही ली है। अगर आपकी दही खट्टी नहीं है तो आप दही की मात्रा थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन हमारी दही थोड़ी खट्टी थी तो इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। और दही को भी हम अपने पाउडर में अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अपना बैटर हम तैयार कर लेंगे, ताकि हमारे बैटर में एक भी लम्स ना रहे। तो ये देखिए, हमारा बैटर तैयार है। तो अभी हम अपने बैटर को 1/2 घंटे के लिए ढककर रख देंगे, ताकि जो सूजी है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो 1/2 घंटा हो चुका है, हम अपने बैटर को चेक कर लेंगे। तो ये देखिए, सूजी ने सारा पानी सोख लिया है। तो हम एक बार अपने बैटर को अच्छे से मिला लेंगे, ताकि जो एक दो लम्स है वो भी इसमें ना रहे। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 पैकेट इनो का। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप इनो की जगह इसमें 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हो। और इनो के ऊपर हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी, ताकि जो इनो है वो बैटर में अच्छे से मिल जाए। और इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमें अपना बैटर अभी थोड़ा थिक लग रहा है। तो डोसे के लिए हमें बैटर थोड़ा पतला चाहिए, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और अपने बैटर में हम अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए, डोसे के लिए हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब चलते हैं डोसा बनाने के लिए। तो इधर हमने तवे को अच्छे से गर्म कर लिया था। अब हम इस पर डालेंगे थोड़ी सी पानी की छींटे, ताकि जो हमारा तवा है वो हल्का सा ठंडा हो जाए। और पानी को हम कपड़े से पोंछ लेंगे। अब हम गैस का फ्लेम कर लेंगे मीडियम, और 20 सेंटर में हम अपना बैटर डालेंगे और हल्के हाथों से अपने बैटर को फैला लेंगे। तो देखिए, कितने अच्छे से हमारा बैटर तवे पर फैल रहा है। तो हम अपने डोसे को धीमी आंच पर सेकने देंगे, क्योंकि जो रवा डोसा होता है वो थोड़ा सिकने में टाइम ज़्यादा लेता है दाल चावल के डोसे के मुकाबले। तो ये देखिए, हमारा डोसा नीचे से सिकने लगा है, जो साइड की किनारी है वो सुनहरी होने लगी हल्की सी। अब हम इसके ऊपर रखेंगे थोड़ा सा बटर। आप बटर की क्वांटिटी अपने हिसाब से ज़्यादा कर सकते हो। तो जिन लोगों को बटर ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसमें आप बटर की मात्रा ज़्यादा भी कर सकते हो। अब हम इसके ऊपर रखेंगे अपना आलू का मसाला, जो हमने तैयार करके रखा हुआ था। और इसी के साथ इसमें 1 चम्मच ये पिज़्ज़ा सॉस, और 1 चम्मच अपनी शेजवान चटनी, और 1 चम्मच अपनी तंदूरी मेयोनीज, और ये अपनी कुछ कटी हुई सब्जियां, जिसमें हमने लंबे पीसेस में कटी हुई प्याज, शिमला मिर्च और स्वीट कॉर्न है। आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी सब्जी डाल सकते हो। आप इसमें पनीर, मशरूम, ब्रोकली, जो भी आपको पसंद हो आप इसमें वो डाल सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे ओरिगेनो, चिल्ली फ्लेक्स और ये थोड़ा सा ब्लैक पेपर, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और धीमी आंच पर सेकने देंगे। हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं। तो जिन लोगों को डोसा बनाने में दिक्कत आती है, तो आप इस तरीके से आप बना कर देखो, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो शुरू शुरू में जब हम डोसा बनाते हैं तो एक दो डोसा सभी के बिगड़ते हैं, मेरा भी बिगड़ा था। तो आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बनाओ, तो आपका डोसा बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। तो हमने अपने सारे मसालों को अच्छे से मिला लिए हैं। तो अब हम इसके ऊपर डालेंगे मोजरेला चीज़। तो मोजरेला चीज़ हम खूब सारा डाल रहे हैं, क्योंकि चीज़ जो होता है वो बच्चों को बहुत पसंद होता है। और अब हम इसके ऊपर रखेंगे चीज़ स्लाइसेस। तो आप इसमें से एक चीज़ स्किप भी कर सकते हो। आप इसमें से, अगर आप चीज़ स्लाइस रख रहे हो, तो आप इसमें से मोजरेला चीज़ है वो हटा सकते हो, या आप दोनों चीज़ें रख सकते हो उसमें। और अपने डोसे को हम 3 से 4 मिनट के लिए सिकने देंगे। तो ये देखिए, हमारा रवा चीज़ मसाला डोसा बनकर तैयार है। दिखने में कितना अच्छा लग रहा, खाने में उतना ही टेस्टी बना है। तो आप भी एक बार इस तरीके से बनाएं और इन्जॉय करें।
और अगर आपको हमारी ये रवा चीज़ मसाला डोसा की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और हमें कमेंट बॉक्स में भी बताना कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो आप भी एक बार इस तरीके से रवा चीज़ मसाला डोसा बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। तो मिलेंगे मैं आपसे अपनी अगली रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए बाय बाय।